आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबके व्यूज इनवाइटेड हैं और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मेरी किसी दो तीन चार किसी देश मोहल्ले और किसी की बात नहीं है, ये पूरे अर्थ की बात है, पूरे यूनिवर्स की बात है, हम लोग पार्ट है उसके, ठीक है ना। चलो प्लीज प्लीज, जैसे आपने बोला था कि एक घंटे लाइट से कुछ मतलब सेविंग से कुछ नहीं होगा, आप उस एक घंटे में मोबाइल चार्ज नहीं करेंगे पर अगले एक घंटे में तो कर लेंगे, उस एनर्जी कोई सेविंग तो हो नहीं रही है। हम लोग एनर्जी को उस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं जो कि हमारे यूज़ में, एनर्जी का कन्वर्जन तो होता ही रहता है। आप भी मोशन में न्यूटन्स के लॉ पढ़ाते हैं कि एवरी रिएक्शन इज इक्वल एक्शन, तो अब आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक एडवांटेज रहता है एक डिसएडवांटेज रहता है। आप एनर्जी को यूज़ करोगे तो नेचर के लिए तो वो डिसएडवांटेज ही रहेगा, और यही है कि मतलब गांधी जी बोल के गए थे कि इंडिया के पास रिसोर्सेस हैं जो कि मतलब एक आदमी के ग्रीड के लिए नहीं है, पर अगर वो उसे ढंग से यूज़ करेगा तो वो रिसोर्सेस हर इंसान को मिल सकते हैं। बस यही है कि इंसान अपना वैसे ज़ीरो तो करेगा नहीं कि कुछ भी रिसोर्सेज यूज़ नहीं करे और हिमालय पे जाके बैठ जाए, और तो यही है कि बस ग्रीड में ना यूज़ करके अपने कंट्रोल करे। As we are familiar with the subject and we are also a part of environment, हम लोग बहुत सी चीज़ों को आज की लाइफ में पॉल्यूट करते हैं, उनको हार्म करते हैं जस्ट फॉर फुलफिल आर नीड्स, बट हम ये नहीं देखते कि उन चीज़ों की वजह से जो हम काम करते हैं कितनी चीज़ों को अफेक्ट होता है। लाइक वी यूज वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड समटाइम्स इट बिकम्स अ वेरी डिजास्टरेबल परफॉर्मेंस फॉर अस, बिकॉज अगर हम उस वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ऐसे ही 10 सालों में करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारे पास ना तो वाटर होगा ना ही इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट वी गोना डू आफ्टर दैट? केवल एक घंटे लाइट को बंद कर देने से या फिर रोज थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन कम करने से हम शायद थोड़े अच्छे लेवल पे पहुंचे, बट केवल 10 लोगों के ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, हमें 100 लोगों को जगाना होगा ताकि वो उस चीज को जाने, बिकॉज everyone here is familiar with what is electricity, what is energy, it is a urja, in hindi we can use a word urja, urja wo cheez hai jiski wajah se hum kisi bhi kaam ko karne mein samarthak hote hain, and jaise ki hum ye jante hain ki agar hum environment se ped kaatte rahe to ek time aisa aayega कि जिन पेड़ों की वजह से आज हमें पानी मिलता है, आज हम ऑक्सीजन ले पाते हैं, ना तो हमारे पास ऑक्सीजन होगी ना ही पानी, तो रिजल्ट इज कि उसके बाद आदमी ही नहीं होगा। हम मशीन्स एनर्जी के ऊपर इतना डिपेंड हो चुके हैं कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जो नेचुरल चीजें उनको भूलते जा रहे हैं। एज इफ पहले के जमाने में जो खाना बना करता था वो गैस के नहीं चूल्हे के ऊपर बना करता था, दैट इज अ स्ट्रक्चर मेड बाय द वुमन और अ पर्सन in a house by mud with the help of some coal of wooden products, but now we use some gas tanks of LPG to produce CNG to cook our food in a better way, but agar hum usi aag pe khana pakate rehte to kya wo cheez buri hoti? Hum yahan se 10 kilometer, chalo wo bahut zyada distance ho gaya, हम यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाते, हमें मशीन्स चाहिए, हमें एक व्हीकल चाहिए जिसकी वजह से हम यहाँ से वहाँ तक जा पाए, बट इट इज ओके, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा कि हम रोज सुबह उठ के 2 किलोमीटर चले या फिर एक छोटे से काम करने के लिए मशीन का सहारा ना लें। That's it, thank you. Okay.